कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल के महिला डॉक्टर पर रेप और मर्डर के केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। दरअसल 14 अगस्त की रात को पूरे देश भर में हजारों लाखों के भीड़ में औरतें और लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले और देश के छोटे बड़े शहरों में लोग जस्टिस की मांग करने लगे। लेकिन उसी रात करीब 50 गुंडे आए और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे और पुलिसों पे पत्थर फेंकने लगे। गुंडों को भगाने के लिए पुलिस को टीयर गैस का यूज करना पड़ा। आखिर सवाल ये आता है कि वो गुंडे कौन थे और किस पार्टी से थे। पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। और उसी समय एक और खबर आती है कि एक नर्स हॉस्पिटल से वापस घर जा रही थी और उसकी भी हत्या हो गई। मुझे तो दुख इस बात की है कि इसके खिलाफ आउटरेज एक दो हफ्ते चलती है और फिर बंद हो जाती है। इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इंटरनेट पर चिप कंटेंट, जो कि औरतों को ऑब्जेक्टिव करता है और रेप को बढ़ावा देता है, उसे बंद करना होगा। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों को, जिसमें खुले माँ बहन की गालियाँ को नॉर्मल दिखाई जाती है, ऐसी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाना जिससे माइंड बिगड़ता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस को बढ़ाता है। और दूसरी चीज़, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। जैसे कि पहले तो सरकारों नेताओं के द्वारा ये बोला जाता है कि रेप करने वालों को फांसी दी जाएगी, पर असली में कुछ और ही होता है। और तीसरी चीज़, लड़कियों पे दोष देना। जैसे कि लड़की है, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए था, अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहिए था, अरे ये तो छोटी छोटी स्कर्ट पहनती थी इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि रेप करने वालों का दोष नहीं है, असल दोष तो लड़की का ही है, सारा ब्लेम लड़की पे ही डाल देना। और इसी कारण रेपिस्ट को भी यही लगता है कि उनकी गलती नहीं है, असली गलती तो लड़की की ही है, लड़की को समझाओ पर लड़की पे सारा ब्लेम मत डाल दो।